सोखता बनवाने का जो फंड आया था, एक सोखता का कितना था? हम दो साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जल जीवन हरियाली योजना जब से आई है हम देख रहे हैं कि पूरा इसमें लूट खसोट है। जमीनी स्तर पर हम थोड़ा सुन लीजिएगा, कुआं दिख रहा है लेकिन भरा हुआ है, रंगाई पुताई तक भी नहीं होता है, कागज पे सारा डाटा चला जाता है, जिला में पैसा आ जाता है और बंदरबाट हो जाता है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली योजना, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं और जमीनी स्तर पर कितना यह योजना सफल साबित हुई है। यहाँ पे आज जो स्टॉल लगाया गया है, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य है कि हमारे जो बिहार का महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली है जी, जो जिला ग्रामीण विकास विकास सिवान के तरफ से संचालित हो रही है, उसमें हमने जो जिला में जो उपलब्धि हासिल की है उनको प्रदर्शित करना है। धरातल पे ये योजना कितना फलीभूत हुई है, क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ धरातल पर योजना फलीभूत हुई है, आप आकर देख सकते हैं, पीछे में लगा हुआ पूरा यात्रा है यहाँ से वहाँ तक जी, इसे हमने निर्माण किया है। यहाँ पर हम लोग बिहार वन विभाग के द्वारा पौधा सृजन कराया गया है, मनरेगा भी कराया गया है, उपलब्धि हमारे यहाँ है, किनारे जो सोखता निर्माण कराया गया 108 हमारे यहाँ बनाया गया है, कुआं के किनारे जो कराया है क्षेत्र में सोखता बनाया गया उससे 16 है, खेत पोखरी जो हमारा नया जल सृजन कराया है अभी है इसमें जल सृजन हमारे यहाँ कराया गया है कि लगभग 600 के लगभग जो पूरा इसपे कराया जा रहा है। मत्स्य विभाग के तरफ से जो पोखर बनाया जा रहा है वो भी हमारे यहाँ 4500 बनाया गया है, जो जल जीवन हरियाली से संचालित। शिक्षा विभाग के द्वारा जो वनों पर निर्माण कार्य कराया गया है, जो वाटर फॉरेस्ट बनाया गया है वो 157 के लगभग। भवन प्रमंडल के द्वारा भी कुछ योजनाएँ संचालित की जा रही है, जैसे लाइट लगवाना है, छोटे को साथ देना है, उस तरह की हमारे यहाँ 72 स्कीम चालू हुई है। तमाम स्कीमें हैं जो हमारे 11 विभाग बन करके चलाई जा रही है, 13 VFs हैं इसमें, सभी के द्वारा संचालित है। वन विभाग इसमें है, मनरेगा है, शिक्षा विभाग है, राजस्व है, राजस्व के द्वारा जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया है उनकी भी सूचियाँ हैं हमारे पास। आप इस स्वच्छता से देख सकते हैं, हम दो साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जल जीवन हरियाली योजना जब से आई है हम देख रहे हैं कि पूरा इसमें लूट खसोट है। जमीनी स्तर पर हम थोड़ा सुन लीजिएगा, कुआं दिख रहा है लेकिन भरा हुआ है, रंगाई पुताई तक भी नहीं होता है, कागज पे सारा डाटा चला जाता है, जिला में पैसा आ जाता है और बंदरबाट हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं जी, इसे उदाहरण पर लागू कर रहे हैं जी, जैसा बता रहे हैं जी, आपको याद होगा कि फरवरी 19 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर जी, उनके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम कराया गया था मोहम्मद जी जी, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। नहीं सर, मैं अभी जीरादेव प्रखंड की बात कर रहे हैं, जीरादेव प्रखंड में 16 पंचायत आते हैं, किसी भी पंचायत में जितनी सारी जल जीवन हरियाली योजना, आम आदमी को तो पता भी नहीं है कि इस योजना में क्या क्या है, और जो प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं इस अशिक्षा का लाभ लेते हुए सारा कागज पर लिपा पोती हो गया है, तो क्या आप लोग अधिकारी हैं तो इसको देखते हैं कि धरातल पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, आप जी बना है, जी जी चापा के किनारे सोखता बनवाने का जो फंड आया था, एक सोखता का कितना था? वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वेरी करता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 9000 रुपए का था। नहीं सर, प्लीज सुन लीजिए, 9000 रुपए में 5000 दलाली घुसखोरी भ्रष्टाचार में चल जाता, 4000 का सोखता बनता है, एक फोर व्हीलर भी अगर बैक होता है सोखता टूट जाता है धरातल पे, यही वास्तविक स्थिति है। इस पे क्या कहेंगे? जहाँ तक आप जैसे बता रहे हैं आप जी, जगह सोखता निर्माण हुआ है जी, टूट जाना है जी, ऐसा भी तो मतलब कोई सूचना नहीं है, वो संज्ञान में आई हमारी बात। हमारे साथ जी जी, आप लोग एक्शन लेंगे तो सर हम आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भी भेजेंगे, आप उस पर कार्रवाई करेंगे, हमारी यही आपसे आशा और इच्छा है। और सर अभी क्या क्या होने जा रहा है, मतलब आने वाले टाइम में?
जी जी ठीक से भी लाई जा रही है, सर नाम और पद बता दें। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी मंडी।